नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ शिवम। बिहार में जो कोरोना का संक्रमण है वो तेज़ी से बढ़ते ही जा रहा है। आपको बताते चले कि संक्रमण के खतरों के कारण पटना जिला समेत और भी बिहार के अन्य जिलों में लॉकडाउन कर दिया गया है। और आपको हम ये भी बताते चले कि जिस तरह से इस साल बिहार में विधानसभा चुनाव भी है, इसको लेकर तमाम पार्टियां अपनी तैयारियों में भी जुट चुकी है। इसी बीच आपको बीजेपी की बात बताते चले कि जिस तरह से बीजेपी पूरे तरीके से चुनावी मोड में आ चुकी थी, पर डे जो है बीजेपी में वर्चुअल रैली हो रही थी और क्षेत्रीय बैठक बुलाए जा रहे थे। और जिस तरह से कुछ दिन पहले की बात है कि बीजेपी कार्यालय में एक बीजेपी के ही नेता जो बेगूसराय से क्षेत्रीय बैठक में पटना आए थे, उनका जो कोरोना जांच हुआ था उसमें उनका पॉजिटिव पाया गया था, जिसके बाद से ही बीजेपी कार्यालय में पूरे तरीके से हड़कंप मच गया था। साथ ही साथ जितने भी बीजेपी के नेताएं हैं उनमें भी हड़कंप मच गया था। आपको बता दें चले कि जो पर डे की बैठक हो रही थी जिसमें बिहार प्रभारी भूपेंद्र यादव और बिहार प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल और बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी भी मौजूद थे और भी अन्य मंत्रीगण मौजूद थे यहाँ पे। और इस वक्त हम मौजूद हैं बिहार प्रदेश भाजपा कार्यालय में और आपको हम तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ICMR की टीम पहुँची थी और वहाँ पे जिस तरह से सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि यहाँ पे भी जितने भी पदाधिकारी हैं उनका यहाँ पे जो कोरोना का जाँच हुआ है। और आप साथ ही साथ तस्वीरों में ये भी देख सकते हैं कि यहाँ से एक एम्बुलेंस भी निकला है जो कि यहाँ पे ICMR की टीम आई थी, उसके द्वारा यहाँ पे जितने भी मतलब कि बीजेपी के कार्यालय में भी बहुत सारे पदाधिकारी रहते हैं उनका जांच सैंपल लेने आई थी, जिस तरह से हम लोग को सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। अब जिस तरह से इस साल बिहार में विधानसभा चुनाव भी है और तमाम पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में भी है और जिस तरह से कोरोना का जो संक्रमण है वो तेज़ी से फैलते ही जा रहा है। हर आपको कुछ दिन पहले भी आपको ने देखा होगा कि RJD के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवंश प्रसाद को भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। उसके बाद तमाम मंत्री से लेकर हर पार्टी के विधायक MLC भी कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे थे। उसके बाद अब ये कहने वाली बात होगी, देखने वाली बात होगी कि जिस तरह से बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव है और ऐसे में तमाम पार्टी अपनी अपनी तैयारियों में भी है और कोरोना का जो संक्रमण है वो तेज़ी से ही फैलते जा रहा है और इसमें ऐसे में चुनाव जो बिहार में है वो कैसे होगा। लगातार विपक्ष की पार्टी भी आवाज उठा रही है कि जो चुनाव है उसकी तारीखों को आगे बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि क्या बिहार में लाशों के ढेर पे चुनाव होगा। और इस वक्त की जो बड़ी खबर आ रही थी वो BJP से है कि BJP कार्यालय से ICMR की टीम और साथ ही साथ एक एम्बुलेंस अंदर से निकली है। अब देखने वाली बात यह होगी कि बिहार प्रदेश कार्यालय में BJP के जिस तरह से यहाँ पे ICMR की टीम ने जांच कराया है, कौन से पदाधिकारी कोरोना पॉजिटिव पाए जाते हैं, आपको हम आने वाले खबरों में बताते रहेंगे। बहरहाल आप बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।